नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में दो टॉपिक ऊपर बात हो रही है। पहला जो टॉपिक है जिसमें कि इस्लामाबाद में एक बार फिर से 3 दिनों के लिए मोबाइल फोन जो है वो बंद कर दिया गया। दूसरा जो रसिया है वो चाहता है कि एक बार फिर से RIC जो समिट है उसको किया जाए, जिसमें कि रसिया, इंडिया और चाइना को एक बार फिर से मिलाया जाए, ताकि इन तीनों देशों के बीच जो भी रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं उनको एक बार फिर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर पहले टॉपिक की बात करें तो आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में जो मोबाइल फ़ोन है वो 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि YC की जो समिट है उसमें आतंकवादी हमले हो सकते हैं। दोस्तों इसलिए इस्लामाबाद में यानी कि जो पाकिस्तान है उसमें पाकिस्तान की जो शहर है इस्लामाबाद उसमें 3 दिनों के लिए जो ये मोबाइल फ़ोन है उसको बंद कर दिया गया है। और इन सब चीज़ों से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हंस भी रही है, क्योंकि जो देश आतंकवाद फैलाता है वही देश ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि उसके देश में आतंकवादी हमले हो सकते हैं। और दूसरा ये बात है कि जो RIC समिट है जिसमें साफ तरीके से जो रसिया वो ये चाहता है कि एक बार फिर से रूस, चाइना और इंडिया एक बार फिर से साथ में आए, उसको वो करवाना चाहते हैं और ये जो रिलेशन है वो अच्छे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल HD को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद में बंद कर दिए गए सारे मोबाइल फोन सर्विसेज बंद हैं, और ये 3 दिन के लिए बंद है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान को डर है कि इस पर आतंकी हमला हो सकता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से लेकर रेड जोन तक सारे मोबाइल फोन बंद। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि इस पर आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि हम इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे। क्या हमारे कंट्री में कैपिटल भी सेफ नहीं है, जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहां होम मिनिस्टर रहते हैं, सारे पुलिस के आला अधिकारी रहते हैं, तो सियालकोट जहां पे एक श्रीलंकन को मार दिया गया वो कैसे सेफ होगा? और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने क्या गलत किया था जो एग्जिट मार गए आपके उस टूर से? उन्हें भी तो डर था इसी चीज का ना। अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए और आकर के ये बताएं कि इंडिया के कौन से टिकटॉकर ने सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को या मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर को मेल की थी जिसकी वजह से हमें ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी कदम उठाना पड़ा। रावलपिंडी पड़ोस में ही है और बहुत दूर नहीं है, जहां पे आर्मी चीफ बैठते हैं और आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसके सामने ही मोबाइल फोन बंद करने की नौबत आ गई है। क्यों बंद करने की नौबत आई? क्योंकि डर यह है कि हमारे इस पे हमला कौन करेगा, इनको हमला होगा कि अब तो बोल देंगे ना इंडिया से डर था, ये था वो था। अभी कल परसों ही तो रिपोर्ट आई US स्टेट डिपार्टमेंट की जिसमें बोला कि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। तो एक्शन नहीं लिया तो आप ही की गलती है और किसकी गलती है? ये तो इनफैक्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली पाकिस्तान की जो टेलीकॉम अथॉरिटी है उसको चिट्ठी लिखी कि ये मोबाइल फोन बंद किए जाए 3 दिन के लिए। 5, 17, 18, 19 तीन दिन के लिए ये पूरा ब्लॉक रहेगा, कोई फोन पर बात नहीं कर पाएगा। और साथ में ये जो OIC का सेशन बुलाया गया, ये सेशन अफगानिस्तान के लिए बुलाया गया। और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन, जो कि 6 दिसंबर को भारत आए थे, उन्होंने ये जो रशिया, इंडिया, चाइना RIC समिट है इसको वो होस्ट करने की बात कर रहे हैं। और रशिया के जो अम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने भी इस पर बात की। अब ये एक अच्छी जिसे आप कह लें कि डेवलपमेंट है, इन अ सेंस कि रशिया के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट जो इंडियंस कर रहे थे S-400 की, AK-203 और माजी में नॉन अलाइनमेंट रह के, आज वो इन्वेस्टमेंट इंडिया की कामयाब हो रही है। कि इंडिया रशिया को ये कह रहा है कि चाइना के साथ आप हमारी बर्फ पिघलाएं। ये जो RIC समिट है, रशिया, इंडिया, चाइना की जो समिट है, इस समिट में अगर आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि बेसिकली तो ये आई थिंक 2019 में जापान के शहर ओसाका में पहली दफा ये मिले थे। आई थिंक दिस इज ये मेरा ख्याल उसी मौके की शायद एक तस्वीर है जो मैंने लगाई है। देखिए कैसा कैसा निजाम है कि एक वक्त था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइनीज और रशियन के बीच में खड़े हैं, और एक वक्त ये आ रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो चाइनीज और उनके बीच में खड़े होते हैं।
पूरी दुनिया एक काम कर रही है, वो ये कर रही है, वो कह रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि चीनी सदर को कैसे डीकोड करें, डीकोडिंग शी जिनपिंग। ऊपर से जो रशियन और चाइनीज के दरमियान ये जो कन्वर्जेंस है, इस कन्वर्जेंस को कैसे रीड किया जाए। उधर से अमेरिकन जो है उन्होंने अपना जो पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव है उन्होंने एक रखा हुआ है, उस पे उस 7.1 बिलियन डॉलर का जो है वो उन्होंने उसका बजट रख दिया। अगले दिनों में ये आ रहा है कि 2033 तक जो चाइनीज इकोनॉमी है वो रशियन अमेरिकन इकोनॉमी को बायपास कर जाएगी, समवेयर अराउंड 35 to 40 trillion dollar की दोनों मुल्कों की इकोनॉमी होगी तब। इस वक्त मेरा ख्याल है रशिया चाइना जो है वो 15-17 trillion पे है, अमेरिकन जो है वो 22-24 trillion के ऊपर डॉलर की टोटल इकोनॉमी है। अब यहां पे आके ये चीज समझने की जरूरत है कि रशियन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं। एक तरफ तो रशिया के ऊपर जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है, और अभी रशिया जो है उस चीज का फायदा, मतलब इंडिया उस चीज का फायदा उठाना चाहता है और चाइना के साथ भी जो बर्फ है अपनी वो पिघलाना चाहता है, लेकिन क्या चाइनीज रशिया की बात मानेंगे? और दूसरी बात, ये एक सवाल है कि विल चाइना लिसन टू रशिया? जितनी रशिया की कुर्बत इस वक्त चाइना के साथ है और आइंदा आने वाले दिनों में ये कुर्बत होगी, और अगर आपको पता हो कि ये जो एक दो दिन पहले एक जो रशियन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो वर्चुअल समिट हुई है उसमें रशियन प्रेसिडेंट ने ये दोबारा कहा है कि मैं चाइना आऊंगा अगले साल फरवरी में, क्योंकि जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उन विंटर ओलंपिक्स का सारी दुनिया में से खासकर अमरीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और वो जो है एक दो कुछ और ममालिक हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया है, डिप्लोमैटिक खिलाड़ी अपने भेजेंगे वैसे बायकॉट कर दिए। अब जो पोजीशन आ रही है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो कन्वर्जेंस इंडिया चाइना की और रशिया की है, ये तो हालात ने कन्वर्जेंस पैदा कर दी, वरना अगर माजी में चले जाएं तो द रशियंस ऑलवेज वांटेड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द चाइनीज। माजी में आप चले जाएं 50s, 60s, 70s, 80s में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इवन में मैं इंटरनेशनल रिलेशन के जब स्टूडेंट होता था तो हमारे एक सर थे इमरान हमीद साहब, वो हमें पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि आई थिंक एक सेंटेंस वो बोलते थे कि द रशियंस ऑलवेज वांटेड टू हैव अ फिंगर ऑन द चाइनीज न्यूक्लियर ट्रिगर, इस तरह का एक सेंटेंस बोलते थे। सो दे ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल। सो क्वेश्चन जो है वो ये है कि अमेरिकन जो है वो परेशान है, वो परेशान ये है कि इंडिया क्वाड में हमारा पार्टनर है, क्वाड को मिलिट्री विंग नहीं बनाना चाहता, ऑकस उनको लैदर बनाना पड़ गया, बायलैटरल जो इंगेजमेंट है 2+2 बीका, और जो बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो इंडिया के साथ कर रहे हैं उसमें इंडिया तो बेनिफिशियरी है ही है, लेकिन इंडिया जो अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाह रहा है, दिस इज व्हाट द अमेरिकंस आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। और दूसरा, इंडिया जो है वो रशिया का इस्तेमाल कर रहा है चाइना के साथ दोबारा अपने मामलात को ठीक करने के लिए, दोबारा अपने चाइना के साथ मामलात को ठीक करने के लिए। अब अमेरिकन ये समझते हैं कि शायद चाइना जो है, इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली उनके साथ गेम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो अपनी वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करना चाह रहा है। शी जिनपिंग जो है वो ज्यादा वो जो अपना कल्चरल रेवोल्यूशन को लेकर के, और एक वर्ड बोलते हैं कॉमन प्रोस्पैरिटी, कॉमन प्रोस्पैरिटी एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक जर्नल है उसको थ्योरेटिकल जर्नल बोलते हैं, आई थिंक उसका नाम है क्यूशी, QUISHI, आई डोंट नो उसको चाइनीज कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मुझे जो ऐसे समझ है क्यूशी, उसमें एक रिसेंटली आर्टिकल आया था कॉमन प्रोस्पैरिटी पर, उसमें वो कहते हैं कि जो मुल्क है उसको आइडियोलॉजिकली, पोलिटिकली, फाइनेंशियली ये कॉमन प्रोस्पैरिटी करनी है, सबको साथ लेकर चलना है। और ये जो आइडियोलॉजिकल प्रोस्पैरिटी है, अब आपको पता है चाइनीज ने चीजें ट्विस्ट करनी शुरू कर दी, और वो ट्विस्ट कैसे करते हैं, वो ट्विस्ट करते हैं जनाब, वो कहते हैं कि चाइना जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। अब इस चीज की समझ नहीं आ रही कि बगैर इलेक्शन की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चाइना कैसे हो जाती, उधर उधर इंडिया कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हम करते हैं। अब आइंदा आके
ये जो समिट है RIC समिट, जिसको थोड़े महीने पहले, एक महीना आई थिंक दो महीने पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुलाकात हुई और उसमें ज्यादातर इन्होंने अफगानिस्तान पर डिस्कस किया। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है क्या वो चाइना के को रोक सकता है कि वो इंडिया के साथ इसमें ना एंगेज हो? सवाल ही पैदा नहीं होता, हम कैसे उनको रोक सकते हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाता तो चाइनीज जो है वो नारे मारते हैं और चाइनीज जो है वो अपना उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ, थोड़ा अरसा पहले जो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हुई थी, समिट हुई थी, उसमें पाकिस्तान नहीं गया था, चाइनीज भी नहीं गए थे।